चलिए फिर से बैठते हैं, सीधा बैठें, बॉडी को रिलैक्स करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कि आंखें खुली रखेंगे, क्योंकि सारा दिन में करना है, सिर्फ याद कर रहे हैं जैसे बहुतों को याद करते हैं। लोगों को याद करने के लिए आंख बंद नहीं करते, परमात्मा को याद करने के लिए भी आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। एक एक थॉट जैसे जैसे मिले, हमें उस थॉट को लेना है और उसको देखने का प्रयास करना है, विजुअलाइज। जब थॉट क्रिएट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, आत्मा पर रिकॉर्ड होता जाएगा। ब्रिकुटी के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं, तीसरे नेत्र का जो स्थान है उस पर अटेंशन लेकर आइए। और वहां धीरे से देखिए पॉइंट ऑफ लाइट धीरे धीरे पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, एनर्जी सेंटर ये है। मैं आत्मा यहाँ पर बैठकर हर थॉट क्रिएट करती हूँ। इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। मेरी आंखें क्या देखेंगी, मेरा मुख क्या बोलेगा, ये मैं आत्मा यहाँ से बैठकर डिसाइड करती हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, मैं इस कॉस्ट्यूम में यहां बैठी हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। अंदर इस लाइन को रिपीट कीजिए, फील कीजिए, उसके वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में रेडिएट करेंगे। मैं शुद्ध प्योर डिवाइन पवित्र आत्मा हूँ। मेरी हर सोच प्योर है, साफ है। मेरा हर बोल आशीर्वाद है। मेरा हर कर्म सत्योगी कर्म है। मैं शुद्ध
डिवाइन पवित्र आत्मा हो। मैं आत्मा अपने पिता वो ईश्वर भगवान जिसको मैं बहुत सालों से जन्मों से ढूंढ रही थी उसके घर आई हूँ। मेरा भाग्य है ये, मेरे श्रेष्ठ कर्मों का भाग्य है ये। धीरे धीरे देखें कि आत्मा वो पॉइंट ऑफ लाइट धीरे धीरे परम धाम की तरफ चलती है। उसके आगे समर्पण हो जाओ। आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या सही है। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं आत्मा सुरक्षित हूँ, निश्चिंत हूँ, निडर हूँ। उसकी शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं आत्मा उसकी शक्तियों से भरपूर हूं। अब धीरे धीरे परम धाम से मैं आत्मा वापस इस सृष्टि की तरफ इस हॉल में अपने शरीर में अपने स्थान पर सेंटर ऑफ द फोरहेड ब्रिकुटी के बीच परमात्म शक्तियों से भरपूर आत्मा मेरी ये शक्तियां मेरे शरीर के कण कण में जाती है। मेरी ये शक्तियां चारों तरफ फैल जाती है। मैं सृष्टि को परिवर्तन करने वाली परमात्मा के साथ उसके कार्य में मददगार मैं सत्ययुगी आत्मा हूँ।
मेरा हर कर्म श्रेष्ठ, मेरा भाग्य सुंदर, आजकल के समय में कभी कभी ये नहीं पता चलता है कि हम ये करें या ये करें, ये डिसीशन ले या वो डिसीशन ले, ये सही होगा या वो सही होगा, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे हॉस्पिटल के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए, हमें कितने सारे डिसीशन लेने होते हैं ना डिसीशन, और हर डिसीशन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर हमारा डिसीशन सही हुआ तो उसका परिणाम सही होगा, लेकिन अगर हमारा डिसीशन थोड़ा गलत हो गया तो उसका परिणाम गलत हो जाता है, और वो परिणाम कभी कभी लंबा चल जाता है। इसीलिए जब आत्मा की शक्ति थोड़ी घटती है तो हमें डिसीशन लेने में डर लगता है, तो कभी कभी हम औरों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। अब वो लोग जिनसे हम पूछते हैं वो अपने डिसीशन लेने में तो काफी टाइम लगाते हैं, लेकिन हमें राय देने में एक सेकंड में बोल देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा कर दो। तो वो हमें इजी लगता है कि दूसरे से पूछा, दूसरे ने जो डिसीशन दिया वो ले लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसमें दो बातें आती हैं, अगर हम दूसरे से डिसीशन लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे ने जो डिसीशन दिया वो किसकी कैपेसिटी से दिया, दूसरे ने जो दिया सही दिया, शुभ भावना है, अच्छी राय दी, लेकिन वो किसकी कैपेसिटी से दी, किसके संस्कारों से दी, किसके नजरिए से दी, वो उनके नजरिए से दी। अगर वो उनका डिसीशन होता, उनका कर्म होता, तो वो उनके लिए सही होता, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी कैपेसिटी, उनका नजरिया, उनका संस्कार मेरी कैपेसिटी से मैच करेगा। आपसे कोई आके पूछे कि मुझे रोज सुबह कितना वॉक करना चाहिए, और अगर आपने अपनी कैपेसिटी से बोल दिया 5 किलोमीटर तो कम से कम करो रोज, क्योंकि आप करते हैं और आपके लिए वो इजी है और वो राइट भी है, हेल्दी भी है, तो आपने दूसरे को बोला 5 मिनट वॉक करो, 5 किलोमीटर वॉक करो, दूसरे ने अपनी कैपेसिटी नहीं चेक की और उतना लंबा पहले दिन वॉक करना शुरू कर दिया, तो वो डिसीशन जो आपके लिए राइट है दूसरे के लिए रॉन्ग हो जाएगा। अब क्योंकि वो दूसरे के लिए रॉन्ग हो जाएगा, उसका दूसरे के ऊपर एक कॉन्सिक्वेंस आएगा, या तो वो गिर जाएगा या उसकी बॉडी को कुछ होगा। अब ये जो उसको होगा इसमें कौन उलझ जाएगा, इस कार्मिक अकाउंट में कौन उलझ गया साथ में, कौन उलझ गया, जिसने वो राय दी थी। इसलिए इस समय पर बहुत ध्यान से चलने का समय है, राय मांगना भी ध्यान से और राय देना तो बहुत ध्यान से। हमें अच्छा लगता है
जब कोई आकर हमें पूछता है, आप बताइए ना मैं क्या करूं, दिस गिव्स अ सेंस ऑफ पावर कि लोग मुझसे आके पूछते हैं कि क्या करना है, तो हम बहुत जल्दी उनको राय दे देते हैं। हमें याद रखना होगा, हमारी राय कोई कर्म बना ले अपना और उसका भाग्य बन जाए तो ये मेरे भाग्य के साथ इंटेंगल होने वाला है। तो अगर हमने एक भी राय दी जिससे उनके भाग्य में कुछ गड़बड़ हुई, तो वो जीवन भर के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट में इंटेंगल हो गया। तो राय देना, लेकिन राय देने से पहले उनकी कैपेसिटी, जैसे आपके यहाँ कोई पेशेंट आएगा, आप उसको नहीं बोलेंगे 5 किलोमीटर चलो, आप पहले उसकी कैपेसिटी देखेंगे। फिर अगर वो बहुत कमजोर है, आप बोलेंगे रोज सिर्फ 10 कदम चलो, पहले है चलना तो 5 किलोमीटर चाहिए, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है, आप कहेंगे 10 कदम चलो, अब अगले हफ्ते 100 कदम चलो धीरे धीरे, फिर वो उसके लिए राइट हुआ। तो इसी तरह लाइफ के डिसीशंस में भी हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। कोई आपको पूछता है मैं ये जॉब करूं या छोड़ के दूसरी तरफ चले जाऊं, मैं शादी में रहूं या डिवोर्स कर दूं, मैं ये वाला जॉब करूं या दूसरा वाला, ये बहुत बड़े बड़े डिसीशंस होते हैं और हम बहुत इजीली बोल देते हैं नहीं 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 इसको छोड़ दो, तुम उधर जाओ वो ज्यादा अच्छा है। हमें कैसे पता कि दूसरी जगह ज्यादा अच्छी होगी लोगों के लिए? अगर वो दूसरा स्थान ज्यादा अच्छा है भी, हमें क्या पता कि ये आत्मा का वहां क्या हिसाब किताब है जो ये वहां एडजस्ट करेगी या अभी से भी ज्यादा दुखी हो जाएगी? अगर वो आत्मा वहां जाकर परेशान हुई, दुखी हुई, उसने सारी एनर्जी किसकी तरफ भेजनी है, किसकी तरफ भेजनी है? उसने कहा इनसे पूछा ना, इन्होंने बताया, देखो क्या हुआ। तो हम उस आत्मा के भाग्य में क्या हो गए? इंटेंगल हो गए। किसी भी आत्मा को, किसी भी आत्मा को, इवन एक पेरेंट को हमेशा ये नहीं पता होता कि बच्चे के लिए क्या सही है। इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि बच्चे के लिए क्या सही है, क्योंकि बच्चा के कर्म और बच्चे के संस्कार में आने वाले समय में क्या लिखा है। पेरेंट बहुत श्रेष्ठ भावना से, बहुत मेहनत करके एक बच्चे को एक प्रोफेशन में डालता है, इतनी मेहनत करता है, अपनी घर गिरवी रखेंगे उसकी फीस देने के लिए, लेकिन पेरेंट को ये सर्टेन नहीं है कि बच्चा उस करियर में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बच्चे की बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से रिश्ता ढूंढ के शादी करते हैं, इंटेंशन बहुत सही है, ये नहीं पता गारंटी कि ये रिश्ता इसके लिए सही होगा या नहीं होगा। लेकिन उस टाइम हम उसको कह देते हैं, बच्चा मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है। इसीलिए किसी भी मनुष्य आत्मा की राय हमारे लिए 100% राइट हो ये जरूरी नहीं है। भावना सबकी 100% राइट है, तो सबसे सही इजी तरीका किससे राय लेते रहो, किससे राय लेते रहो, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने पेशेंट्स के लिए भी, 10 सेकेंड रुको, उसको पूछो क्या वो आंसर देगा, क्या वो आंसर देगा, वो आंसर देगा, क्या लगता है देगा वो आंसर या हम ही पूछते रह जाएंगे, क्या होगा? हाँ, कई बार हम सोचते हैं, हम प्रार्थना पूजा पाठ इतने सालों से करते आए, अब हमें ये मेडिटेशन सीखने की क्या जरूरत है, हम करते तो हैं भगवान को याद रोज, जो कि बहुत सुंदर चीज है, लेकिन आप चेक कीजिए, जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं, वो भी हम क्या बोलते हैं, जो हमने बचपन से सीखा,
वो जो हमने प्रार्थना बचपन से सीखी उसका एक एक शब्द बहुत श्रेष्ठ है, हाई एनर्जी है, बहुत ही श्रेष्ठ शब्दों से एक प्रार्थना बनती है, परमात्मा की याद की, प्यार की, महिमा की प्रार्थना बनती है। लेकिन वो शब्द किसने लिखे, वो शब्द किसने लिखे, वो शब्द किसी और ने लिखे। वो बहुत बहुत श्रेष्ठ शब्द है, लेकिन वो किसकी भावना है, वो किसी और की भावना है। वो उन्होंने परमात्मा की याद में, प्यार में वो शब्द उच्चारण किए, औरों ने सुने, उनको बहुत अच्छे लगे, तो हमने भी वो वाले शब्द उच्चारण करने शुरू कर दिए। अब हमने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब हम रोज वही करते रहे तो थोड़े दिन के बाद वो शब्द क्या हो गए, हमें याद हो गए, याद हो गए। जैसे आप कोई प्रोसीजर करते हैं, रोज करते जाएंगे, हर साल करते जाएंगे, तो थोड़े दिन के बाद आपको वो करने के लिए मन बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है, आप कुछ और सोचते हुए भी कुछ काम कर देते हैं, करते हैं नहीं करते। गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, घर से हॉस्पिटल जाते हैं, सेम रास्ते से रोज जाते हैं, तो थोड़े दिन के बाद रास्ता देखना नहीं पड़ता, कुछ और सोचते 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 घर पहुंच जाते हैं, और कहते हैं वो घर आ गया। हाँ, तो हम कुछ और सोच रहे थे, गाड़ी कौन चला रहा था, हम कुछ और सोच रहे थे, गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी चला रहा था वो संस्कार जिसको वो रास्ता याद हो चुका था, ऑटोमेटिक मोड में चली जाते हैं। इसी तरह जब हम उस प्रार्थना को रोज करते हैं, बचपन से करते आए, अब वो हमारा ऑटोमेटिक संस्कार बन गया है। तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ और सोचते हैं और मुख से हम प्रार्थना करते हैं, होता है कभी ऐसा, हम किधर 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 का सब कुछ सोच के वापस आ जाते हैं, उतनी देर में हमारी प्रेयर पूरी हो जाती है। जब हम स्कूल जाते थे, अब नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक वो ही प्रेयर रोज बोलते थे, नर्सरी में ही याद हो गई थी, लेकिन 12th तक वो ही बोला रोज सुबह। तो रोज सुबह जब 5 मिनट वो प्रेयर बोलनी होती थी, माइंड सोचता था आज क्लास में ये करना है, आज ये टेस्ट है, तैयारी इतनी हुई है, वो वाला होमवर्क पेंडिंग है, उतनी देर में प्रेयर पूरी हो जाती थी, मैकेनिकल बन गया। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि माइंड कुछ और सोच रहा है, मुख वो श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण कर रहा है। तो रोज प्रार्थना की, रोज पूजा की, रोज भगवान को याद किया, लेकिन करते हुए अगर मन बुद्धि कहीं और गई तो आत्मा की चार्जिंग, आत्मा की चार्जिंग नहीं होगी, क्योंकि जिसकी चार्जिंग थी वो तो हॉस्पिटल गए, घर पे गए, बच्चों के जीवन में गए, सब कुछ करके वापस पूरे आ गए और कहा प्रेयर हो गई। तो थोड़े टाइम के बाद वो प्रेयर, वो प्रार्थना, वो नियम, वो रिचुअल जो हमें ताकत देने चाहिए थे वो ताकत नहीं दे रहे थे, क्योंकि मुख कर रहा था, हाथ कर रहा था, दिया जला रहे थे, घंटी बजा रहे थे, सब कुछ सजा रहे थे, अंदर कुछ और सोच रहे थे। तो हमें क्या प्रैक्टिस हो गई कि हम भगवान को याद करने बैठे लेकिन कुछ कुछ और याद आता गया। होता है ऐसा कभी, होता है कभी ऐसा, याद भगवान को करने बैठे कुछ कुछ और याद आ गया। अब हमें क्या करना है, कुछ भी कर रहे हो सारा दिन लेकिन अंदर भगवान याद आता रहे, भगवान को याद करने बैठे तो नहीं सिर्फ सारा दिन भी, जब हम उसको याद करने बैठने में टाइम काम को याद कर सकते थे तो क्या हम काम करते टाइम उसको याद कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और जब हम वो करेंगे तो हमारा हर कर्म योग की स्थिति में हो जाएगा, परमात्मा से कनेक्टेड स्थिति में हो जाएगा, उस स्थिति को कहते हैं कर्म योगी।
कहते हम कर्म योगी हैं। कर्म योगी मतलब वो नहीं जो सारा दिन काम कर रहा है वो कर्म योगी है, कर्म योगी मतलब जो योग की स्थिति में कर्म कर रहा है। तो जो योग की स्थिति में कर्म करेगा उसका हर कर्म कैसा होगा? एक्यूरेट। तो मेडिटेशन मतलब हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, जो हमने प्रेयर सीखी है उसका भी उच्चारण करो, लेकिन उसके बाद अपनी भी कोई बात करो, अपनी भी कोई बात करो जो रटी हुई नहीं है लेकिन जो आपकी अपनी है, और रोज अलग अलग बात करो। तो जब अपनी बात करेंगे, रोज की बात करेंगे, तो मन बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगा। एक बच्चे को अगर टीचर स्कूल में सिखा दे कि आप अपने मम्मी पापा से ये बात करना आज जाके, और वो टीचर कागज पे बहुत अच्छे वर्ड्स, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हैं, पापा आप बहुत अच्छे हैं, पापा आप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, एक ऐसे 10 लाइन बच्चे को लिख के एक टीचर दे दे, और टीचर बोले आपको रोज अपने मम्मी पापा से यही बात करनी है, थोड़े दिन तो वो लाइनें अच्छी लगेंगी, थोड़े दिन के बाद वो क्या बन जाएगा? सिर्फ मैकेनिकल। बच्चे का पेरेंट से रिश्ता कैसे बनता है? जब बच्चा अपनी बात करता है, पेरेंट अपनी बात करता है, चाहे तोतली भाषा में बात कर रहा है। एक छोटे बच्चे को देखना माँ के साथ बैठा है गोदी में, क्या बच्चे को माँ की भाषा समझ में आती है? आती है नहीं। क्या माँ को बच्चे की भाषा समझ में आ रही होती है? आ रही होती है। वो अपना बोलती जाती है, वो करता जाता है, लेकिन वो दोनों बैठ के जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उतना प्यार, उतना अनकंडीशनल लव जो दोनों के बीच रेडिएट हो रहा होता है, वो तो बड़े होके भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बड़े होने के बाद बहुत सारे और फीलिंग्स और इमोशंस बीच में आ जाते हैं। दो जो भाषा नहीं समझ रहे एक दूसरे की, लेकिन कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? एक माँ और बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है? वो गोदी में बैठे एक घंटा बातें कर रहे हैं ऐसे, ना उसको समझ में आ रहा है ना उसको समझ में आ रहा है, लेकिन एक घंटा उनको कोई और नहीं दिखाई देता आसपास, कैसे कम्युनिकेशन चल रहा है? क्या कम्युनिकेशन चल रहा है? भावनाएं एक्सचेंज हो रही है। बच्चा मदर की भावना को समझ पाता है, मदर बच्चे की भावना को समझ पाती है। मदर को पता चल जाता है अभी भूख लगी, अभी प्यास लगी, अभी नींद आई, अभी बच्चा तो नहीं बोल रहा कुछ भी। बड़े होके मदर बच्चे को कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड यू, बच्चा कहते हैं आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड यू। जब भाषा समझ में आने लगती है तब डोंट अंडरस्टैंड करते, जब समझ नहीं आती थी तो सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहे थे। कितना वंडरफुल है ना, वंडरफुल। भावना, फीलिंग्स, वाइब्रेशन। तो जब दो आत्माएं इस तरह से कम्युनिकेट कर सकती हैं, क्या आत्मा और परमात्मा कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है हाँ। तो मेडिटेशन मतलब सिर्फ हम बोलते जाएं ऐसा नहीं, मेडिटेशन मतलब कनेक्शन एंड कॉन्वर्सेशन। हम भी बोलें और हम पूछें और हम आंसर भी लें। ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि रिश्ता नया नया अभी बनेगा। फिर क्या हम करेंगे? सारा दिन उस परमात्मा से, बाबा से अपनी हर बात करने शुरू करते हैं, हर बात। रिश्ते किससे स्ट्रांग बनते हैं? कुछ लोगों को हम कभी कभी मिलते हैं, कुछ लोगों को हम हर रोज मिलते हैं, कुछ लोगों को हम दिन में कई बार मिल देते हैं। ज्यादा बात हम किससे करते हैं? जिनको कभी कभी मिलते हैं या जिनको दिन में कई बार मिलते या बात कर लेते हैं, ज्यादा बात किससे करते हैं? होना तो ऑपोजिट चाहिए ना,
कि जिनको बहुत टाइम के बाद मिलो उनसे ज्यादा बात होनी चाहिए ना, उनसे हम थोड़ी देर बात करते हैं, आप कैसे, मैं भी ठीक हूँ, आपके बच्चे ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक, आप अच्छा ठीक है, मौसम भी अच्छा है, हेलो अभी और क्या बात करेंगे। लेकिन जिनसे बार बार बात करते हैं उनसे हम अपने जीवन की हर बात करने लग जाते हैं, तो हर थोड़ी देर बाद भी मिलते हैं वी हैव मोर टू टॉक, और हम उनसे हर बात करते हैं, आपने लंच में क्या खाया, मैंने ये खाया, आपका आज क्या हुआ। मैं जितना ज्यादा हम बात कर रहे हैं किसी से, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे जीवन की हर बात उसको पता है, उसके जीवन की हर बात हमें पता है, हमारा रिलेशनशिप क्या होता जाता है, हमारा रिलेशनशिप क्या होता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है। प्रॉब्लम आने पर उसको बताना नहीं पड़ेगा, उसको ऑलरेडी पता है। अब हमें देखना है हम परमात्मा से कब कब बात करते हैं, रोज एक बार करते हैं, मंडे मंडे करते हैं, फ्राइडे फ्राइडे करते हैं, संडे संडे करते हैं, प्रॉब्लम आने वाले दिन करते हैं, प्रॉब्लम ठीक होने के बाद करते हैं, नवरात्रि में करते हैं, दिवाली में करते हैं, कौन से डे भगवान से बात करते हैं, या दिन में कई बार करते हैं, रिलेशनशिप कौन सा रखा हुआ है। जितनी बार कनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, उतना रिश्ता स्ट्रांग होता जाएगा। फिर उसको याद करना नहीं पड़ेगा। बच्चा कभी ऐसे बैठ के मम्मी पापा को याद करता नहीं है, याद तो नेचुरल लगी रहती है। जब ये रिश्ता बन जाएगा तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति हमारे हर कर्म में आ जाएगी। जैसे आप अपना कोई काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई बड़े खड़े हैं, आप रोज वो काम करते हैं, आपको वो काम करना आता है, लेकिन आपके साथ कोई बड़े खड़े हैं तो आप क्या करते हैं, एक सेकंड के लिए उनकी तरफ क्या करेंगे, देखेंगे और उनका एक नॉड लेंगे, सही है, करते हैं कि नहीं करते हैं। हमें आता है ना, हमें पूछने की क्या जरूरत है, लेकिन वो साथ में खड़े हैं तो हमारा कर्म क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह अपने हर कर्म में सिर्फ एक सेकंड के भी उधर देखकर नॉड ले लिया ना, ये सही है, तो हमारे से कभी कोई गलत कर्म होगा ही नहीं। इसको कर्म योगी कहते हैं, जो परमात्मा की याद, परमात्मा के ज्ञान के आधार से हर कर्म करे। क्योंकि हमारा कर्म क्या बनाता है, हमारा भाग्य बनाता है। जीवन में चलते चलते अचानक से कोई ऐसी सीन आती है, कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरी भावना इतनी अच्छी थी, मेरी इंटेंशन इतनी अच्छी थी, मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ, क्वेश्चन आता है। जब क्वेश्चन आता है तो आंसर ढूंढते हैं, कौन इसका जिम्मेवार, ये, और जब कहीं उंगली नहीं रखी जाती तो फिर जिम्मेवार ऊपर डाल देते हैं ना, क्योंकि बचपन से सुना कि जो हो रहा है वो उसकी मर्जी, तो हम उस पर डाल देते हैं। आसपास के लोग भी कहते हैं ईश्वर की मर्जी, कभी भी हम रुक के चेक नहीं करते कि ईश्वर की मर्जी में कभी ऐसी गलत बातें कैसे आ सकती हैं। आपके हॉस्पिटल में कभी ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही कोई छोटी बड़ी बीमारी है, होता है ऐसा, होता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हॉस्पिटल में बीमारियों के साथ, अभी उन्होंने कौन सा कर्म किया है, कोई नहीं, फिर क्यों ये बीमारी आई, तो लोग कहते ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर क्यों छोटे छोटे बच्चे को बीमारी देने वाला है, छोटे को क्यों, वो बड़े को भी क्यों देगा, ईश्वर देगा ऐसी बीमारियां, ईश्वर देगा कि किसी बच्चे की यंग एज में डेथ हो जाए, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, बाकी तो जो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है क्या इसको ईश्वर की मर्जी से कहेंगे, होगा ऐसा, ईश्वर की मर्जी से दुनिया होगी तो कैसी दुनिया होगी, सोचो, ईश्वर की मर्जी भी छोड़ो, आपकी मर्जी से अगर दुनिया चलनी हो तो दुनिया कैसी होगी, कैसी दुनिया बनाएंगे, कैसी दुनिया बनाएंगे,
कितने बच्चों को आप चाहेंगे कि वो बीमार पैदा हो, आपकी मर्जी से भाग्य लिखा जाने वाला है लोगों का? कोई भी नहीं। हॉस्पिटल कितने खुले रहने चाहिए आपकी मर्जी से हो तो? मनुष्य आत्मा की मर्जी भी, भावना भी इतनी श्रेष्ठ होती है कि वो किसी के भाग्य में कभी बीमारी, अकाले मृत्यु, दुख, टूटे हुए रिश्ते, प्राकृतिक आपदाएं जो हो रही हैं, ऐसा भाग्य मनुष्य आत्मा भी किसी के लिए नहीं लिखेगा। लोगों के भाग्य में आज ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, लोग कहते हैं मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, बोलते हैं ना, मतलब जो मेरा जो दुश्मन है मुझे लगता है उसके भाग्य में भी मैं ऐसी चीज नहीं लिखूं, और भगवान ने लिखा, बोलते हैं ईश्वर की मर्जी। ऐसी मर्जी बोलने से हम ईश्वर से भी डरने लग जाते हैं कि पता नहीं कैसा है, उसका मूड खराब होता है तो कुछ भी गलत लिख देता है मेरे भाग्य में, होता है ना। फिर नेक्स्ट एजेंडा शुरू होता है, भगवान को खुश करो, देवी देवताओं को खुश करो, वो खुश रहेंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा। तो रिश्ता प्योर नहीं रहता, फिर उसको खुश करने का हो जाता है, उससे डरने का हो जाता है, और फिर भी अगर कुछ गलत हो जाए तो उससे नाराज होने का हो जाता है। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसे भगवान को हम नहीं मानते तो नाराज, रिश्ता ही तोड़ देते हैं। क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम, ईश्वर की मर्जी से यह सब कुछ हो रहा है। तो आज अपने मन में हम क्लियर कर लेते हैं, अगर ईश्वर की मर्जी से हो रहा होता तो सबका भाग्य, सिर्फ मेरा, कुछ लोगों का नहीं, सबका भाग्य कैसा होता? श्रेष्ठ होता, और सबका भाग्य इक्वल होता। किसी का कम, किसी का ज्यादा, कोई हेल्दी कोई बीमार, ऐसे नहीं हो सकता। कोई 100 वर्ष तक परफेक्ट, कोई 1 वर्ष में ही कुछ हो जाए, ये भाग्य बहुत अनइक्वल है। तो ईश्वर की मर्जी से भाग्य हो तो परफेक्ट हो, इक्वल हो, ये दोनों चीजें आज नहीं है, ना परफेक्ट है ना इक्वल है। दूसरी बात हम बचपन से सुनते आए, जैसा मेरा कर्म, जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार छोटी बड़ी कोई गलती हो जाती है, तो कर्म हमारे परफेक्ट नहीं और कर्म हमारे इक्वल नहीं है। हरेक के कर्म अलग अलग है, तो हरेक का भाग्य भी अलग अलग होगा। हरेक के कर्म बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो हरेक के भाग्य में भी छोटी बड़ी कोई बात आ जाती है। किसी का मन दुखी है, किसी के शरीर को बीमारी है, किसी के रिश्ते में कोई गांठ है, किसी को काम में सफलता नहीं मिल रही, किसी के बच्चे को कुछ ना कुछ, कलयुग में कुछ ना कुछ 1% कोई भाग्य में कुछ आ जाता है। सत्युग में हरेक का भाग्य कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो आज भी है, भाग्य बहुत अच्छा है इस टाइम हमारा। सत्युग में भाग्य कैसा होगा? सत्युग में भाग्य परफेक्ट होगा। क्यों परफेक्ट होगा? क्योंकि आत्मा कैसी होगी? परफेक्ट होगी। तो हर कर्म कैसा होगा? परफेक्ट होगा। तो भाग्य कैसा होगा? परफेक्ट होगा। जैसे जैसे सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, आत्मा धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे, बैटरी डिस्चार्ज होती है धीरे, तो कर्म धीरे 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 इम्प्योर होते हैं। अभी जैसे नहीं है, ये सत्युग से कलयुग में आने में 5000 वर्ष लगते हैं, धीरे 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 धीरे। फिर अब के समय में आते जितनी डिप्लीट हो गई, तो कर्म में बहुत सारी हमने गड़बड़ की है, और उसी का फल हमें भाग्य में दिखाई देता है। तो सारा दिन में किसी से नहीं डरना है। भगवान कहते हैं परमात्मा से तो बिल्कुल ही नहीं डरना है, परमात्मा से तो सिर्फ प्यार करना है, डरना नहीं है। लेकिन अगर डरना है तो सिर्फ एक ही चीज से डरना है, कोई गलत कर्म करने से डरना है। क्योंकि हर कर्म का एक परिणाम होगा, और वो परिणाम मेरे और मेरे परिवार के भाग्य में आएगा। तो मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है, ये इक्वेशन फिट करनी है और सारा दिन यूज करनी है।
मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है, दूसरा मेरी हर सोच, मेरी हर बोल और मेरा हर व्यवहार ये मेरा कर्म है। सिर्फ व्यवहार कर्म नहीं है, मेरी हर सोच भी कर्म है, मेरा हर बोल भी कर्म है। क्यों? क्योंकि मेरी हर सोच मेरा हर बोल एनर्जी है जो मैं आत्मा क्रिएट करती हूँ, बाहर भेजती हूँ, ये मेरा कर्म है। कर्म मतलब एनर्जी जो हमने क्रिएट की बाहर भेजी, भाग्य मतलब एनर्जी जो हमारे पास वापस आई। मैंने जो सोचा मेरे शरीर को गया वो मेरा कर्म, मेरी शरीर की जो सेहत बनी वो मेरा भाग्य है। मैंने जो सोचा दूसरे तक भेजा वो मेरा कर्म, दूसरे ने मेरे साथ कैसे बात की वो मेरा भाग्य है। तो मैं जो एनर्जी क्रिएट कर रही हूं भेज रही हूं वो कर्म, सामने से मेरे पास जो एनर्जी आ रही है वो मेरा भाग्य। इट्स लाइक ऐसे यहां से एनर्जी फेंकी सामने से वापस आई। अब फेंकने में और वापस आने में एक सेकंड के बाद भी आ सकती है, एक मिनट के बाद भी आ सकती है, 10 साल के बाद भी आ सकती है और कई बार 100 साल के बाद भी आ सकती है। तो जब तक 100 साल के बाद आती है मुझ आत्मा ने ड्रेस चेंज कर ली। इवन अगर 10 महीने बाद आ जाए तो हमें भूल जाता है कि ये मैंने कर्म किया था, ये इसका भाग्य आ रहा है और हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अगर हमें श्रेष्ठ भाग्य चाहिए तो हमारी हर सोच श्रेष्ठ होनी पड़ेगी, हमारा हर शब्द श्रेष्ठ होना होगा, हमारा हर व्यवहार श्रेष्ठ होगा। इसलिए परमात्मा के साथ कनेक्शन और योग और ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि वो योग वो ज्ञान वो शक्ति हमारी हर थॉट को सही कर देती है, हमारे हर बोल को सही कर देती है। अब आसपास के लोग अलग अलग कर्म कर रहे हैं, आज कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कोई हमारे को कुछ बोल रहा है, कोई हमारे जीवन में विघ्न डाल रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारा हॉस्पिटल में गलत हमारे बारे में फैला रहा है। लोग अलग 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 कर्म कर रहे हैं, हमें उनके कर्म को देखकर क्या ध्यान रखना है? हमारा एनर्जी सर्कल वाइट है, हमें उनके कर्म को देखकर क्या ध्यान रखना है? वो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो हमारे जीवन में कभी कभी मुश्किलें भी डालता है। पहला क्वेश्चन जो माइंड कहता है, उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों तंग करते रहते हैं सारा दिन? तो पहले तो उस क्वेश्चन को आंसर करके उसको फुल स्टॉप करो। उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है, क्यों तंग करते रहते हैं वो मुझे? मैंने कुछ किया उनको? क्यों बार बार तंग कर रहे हैं मुझे? क्यों प्रॉब्लम है उनको मुझसे? क्यों प्रॉब्लम है उनको मुझसे? अभी सोचो, मैं ये बहन के साथ रहती हूं, रोज तंग करती हूँ उसको, रोज कुछ बोलती हूँ, रोज कुछ बोलती हूँ, तंग करती हूँ, ताने करती हूँ, निंदा करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, चिल्लाती हूँ। जीवन बीत गई मेरे इनके साथ ऐसे रिश्ते में, ये रिश्ता कौन सा हो सकता है? ये हम दो लोगों का रिश्ता कौन सा हो सकता है? पेरेंट चाइल्ड का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। दो लोग 50 साल इकट्ठे रहे, तंग किया तंग किया तंग किया उसको रोज, कर्म किए ना, कर्म किया ना। ये कर्म का मेरा उसके साथ एक कनेक्शन बन गया। अब मैंने उसको इतनी सारी एनर्जी दी है, 50 साल उसको दुख दे के फाइनली एक दिन शरीर छोड़ दिया। अपने साथ क्या लेकर गई? मेरा कार्मिक अकाउंट जो उसके साथ बना। आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है? अपने संस्कार और अपने कर्म। कुछ साल के बाद उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, उन्होंने भी दूसरा शरीर लिया, मैंने भी कहीं और दूसरा शरीर लिया, मैं किसी और घर में पैदा हो गई, वो किसी और घर में पैदा हो गई। 30 साल के बाद मैं हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, वहां एक व्यक्ति है, जब देखो मुझे तंग, जब देखो मुझे तंग,
मेरे बारे में कुछ बोलता है, इधर जाता है बोलता है, मैं कुछ करूं उसके लिए गलत बोलता है। मैं बोलती हूँ इसको साथ मैंने कभी कोई गलत किया, इसको क्या प्रॉब्लम है मेरे से, क्योंकि मैं किसको देख रही हूं, इनके नई कॉस्ट्यूम को, मैं नहीं जानती इनको, मैं इनसे कभी नहीं मिली पहले, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ये भी कहती हूं मैंने इनके साथ कभी गलत नहीं किया। राइट हूं मैं? राइट हूं मैं? मैंने इनके साथ कभी गलत नहीं किया। राइट हूं मैं? हाँ, तो लाइन को कंप्लीट करते हैं। मैंने ये ड्रेस पहनने के बाद, बोलिए, मैंने ये ड्रेस पहनने के बाद उनको साथ कभी गलत नहीं किया, लेकिन पिछली ड्रेस में मैंने क्या किया मुझे याद नहीं। लेकिन अगर वहां से कोई एनर्जी आ रही है तो लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि मैंने कभी ना कभी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कभी ना कभी ये एनर्जी भेजी थी। जब तक हम ऐसे भेजेंगे नहीं, कुछ ऐसे आ नहीं सकता, वो लॉ नहीं है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या करता है ना, तो सिंपल लॉ है, चाहे आप कोई भी चीज यूज कर लो, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा काम करना ही करना है। उस पर हम क्वेश्चन नहीं उठाते, और कोई हमारे सामने बोलता है ये ऐसा क्यों, कहते इसमें क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ऐसा ही तो होगा, और कैसा होगा। उतना ही सिंपल ये लॉ है और हर टाइम एप्लीकेबल है। इसलिए कोई पूछे ना ये आपको क्यों तंग करता है, तो सिंपल आंसर देना, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही कर्म करके आया हूं कभी तो। सिंपल सिंपल, उसके ऊपर एक थॉट से ज्यादा दूसरी थॉट चलाने की जरूरत नहीं होती है, एनर्जी वेस्ट होती है। उस एनर्जी को किधर यूज करना है, उस एनर्जी को क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वेस्ट है एनर्जी। उस एनर्जी को कहां यूज कर लो इससे अच्छा, अब मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, मेरे पास ये नेगेटिव एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने कभी ना कभी नेगेटिव एनर्जी भेजी थी, मुझे वो याद नहीं। लेकिन अब नेगेटिव आ रही है, क्यों आ रही है, पहले कभी भेजी थी, लेकिन अब अगर मुझे उनसे प्रॉब्लम हुई, मैं उनकी वजह से नाराज हुई, उनसे उदास हुई, फिर चार लोगों को और जाके सुनाया, मैंने अब भी अगर ये सब किया तो मैंने अब भी कौन सी एनर्जी क्रिएट कर दी, तो नेगेटिव आ रही थी और मैंने अब भी क्या भेज दिया, नेगेटिव भेज दिया, तो वो कार्मिक अकाउंट क्या हो जाएगा, वो कार्मिक अकाउंट क्या हो जाएगा, और तो पास्ट नेगेटिव आ रहा था, प्रेजेंट कैसा क्रिएट कर दिया, नेगेटिव क्रिएट किया, फ्यूचर कौन सा डिसाइड हो गया, नेगेटिव। पास्ट कितना भी नेगेटिव हो, मतलब बात कुछ भी हो, हमेशा याद रखना वो एक पास्ट है जो सामने आ रहा है। मुझ आत्मा ने ये किया था, कभी तो किया था, याद नहीं है, लेकिन कितना भी नेगेटिव पास्ट आ रहा हो, एक चीज याद रखनी है, उससे ज्यादा पावरफुल मेरा प्रेजेंट है, मेरा प्रेजेंट है। लेकिन फिर प्रेजेंट में ध्यान क्या रखना है, प्रेजेंट में ध्यान क्या रखना है, प्रेजेंट में ध्यान क्या रखना है, कि मेरे प्रेजेंट में मेरी हर थॉट, मेरी हर वर्ड, मेरा हर व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो नेगेटिव एनर्जी लो, एंड लो एनर्जी मतलब शरीर में कोई बीमारी बार बार कुछ हो रहा है, मन दुखी परेशान बार बार हो रहा है, सफलता कार्य में बार बार मेहनत कर रहे हैं सफलता नहीं आ रही है, रिश्ते में बार बार कोई गांठ पड़ रही है, ये कुछ चीजें कई बार 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 तंग कर रही है, ये मेरा पास्ट है, पास्ट है। अगर आप कोई पंडित जी से पूछेंगे वो भी बता देगा, जन्म पत्री में लिखा हुआ होता है वो। अब सोचो पहले दिन ही उसको कैसे पता था ये सब होने वाले, पंडित जी को कैसे पता था मेरे जीवन में ये सब होने वाले, कैसे पता था,
कैसे लिखा फर्स्ट डे पे वो कुंडली कैसे बनी, किस आधार पर बनी, किस आधार पर बनी कुंडली, किस आधार पर बनी? क्योंकि मैं आत्मा जिस क्षण वो संस्कार और कर्म लेकर आई उस दिन वो कुंडली बन गई। किस आधार पर बनी? उसी क्षण उसी शहर में उसी हॉस्पिटल में दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों के सामने ग्रह दोनों के सेम है उस टाइम, लेकिन दोनों की कुंडली बिल्कुल अलग अलग बनती है। तो ग्रहों का प्रभाव उस आत्मा के संस्कारों पर, ग्रहों का प्रभाव उस आत्मा के संस्कारों पर। अगर आत्मा ने संस्कार चेंज कर लिया तो वो कुंडली में जो लिखा होगा वो कुंडली में जो लिखा होगा वो सही नहीं निकलेगा। जो जो संस्कार आप चेंज नहीं करते हैं इस जीवन काल में वो ही वाली प्रिडिक्शंस राइट निकलते हैं। इसीलिए हम जन्म पत्री दिखाते हैं, हमारी कुछ बातें राइट निकलती हैं और कुछ बातें राइट नहीं निकलती हैं। वो प्योर साइंस है, लेकिन वो साइंस किस आधार पर है कि आत्मा जो संस्कार लेकर आई, कर्म लेकर आई, उसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव ये होगा ये होगा ये होगा। उस जर्नी पर अगर आपने वो वाला संस्कार चेंज कर दिया, वो प्रेजेंट कर्मा चेंज कर दिया, वो प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगर भाग्य में लिखा होगा ये बहुत अच्छा होने वाला है, इनके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन हमने संस्कार बिगाड़ लिए, अपने कर्म गलत कर लिए, वो अच्छा वाला फेज नहीं आएगा। अगर उस कुंडली में लिखा है ये भी गड़बड़ होने वाली है, ये भी गड़बड़ होने वाली है, लेकिन हमने अपने संस्कार सुंदर बना लिए, कर्म श्रेष्ठ कर लिए, बात आएगी और बात जाएगी, हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम कहेंगे पंडित जी आप तो कह रहे थे पिछला साल बहुत भारी होने वाला है, मेरे जीवन में तो शायद सबसे अच्छी बातें पिछले साल के अंदर ही हुई है, ये कैसे हुआ? क्योंकि संस्कार बदल दिया। इट्स लाइक टेलिंग अ पेशेंट आपको 6 महीने में डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी लाइफस्टाइल ही बदल ली 6 महीने में, तो फिर आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग। तो आपको पूछेगा डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे थे मुझे 6 महीने में होने वाला है, मुझे तो 50 साल हो गए अभी तक नहीं हुआ। कहेंगे क्योंकि आपने लाइफस्टाइल बदल दिया, अब थोड़ी मेरी प्रेडिक्शन राइट निकलेगी। मेरी प्रेडिक्शन आपके पुराने लाइफस्टाइल के हिसाब से थी। जन्म पत्री भी हमारे पुराने कर्म और संस्कार के हिसाब से होती है, उसको जीवन भर एक डॉक्यूमेंट रेफरेंस की तरह नहीं यूज करना है। अपने कर्म और संस्कारों को क्या करना है? चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, भाग्य चेंज हो जाएगा। तो कोई भी हमारे साथ कुछ भी करे, हमें याद रखना है ये क्यों कर रहे हैं। आंसर दो मन को, क्यों कर रहे हैं? ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है। सारा दिन में अगर चेक करें हमारे मेजोरिटी कार्मिक अकाउंट कितने श्रेष्ठ हैं, कुछ एक दो ही आते हैं बीच में ऐसा जो थोड़े से ऐसे वाले हैं, लेकिन हमारी सारी एनर्जी उस पर फोकस हो जाती है और जीवन में सब कुछ जो इतना अच्छा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए एक सिंपल अभ्यास जो सारा दिन करना चाहिए, सब चीजों का शुक्रिया करते रहो। सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन का शुक्रिया कि ये बिल्कुल ठीक है, अपने शरीर का शुक्रिया कि सारा दिन कितना काम करता है मेरे साथ, बेड से उठे अपने बेड का शुक्रिया, पंखा बंद किया एसी बंद किया शुक्रिया, पूरी रात कितना आराम दिया, हर चीज का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, गाड़ी में गए उसका शुक्रिया। जो आत्मा बार बार शुक्रिया करती रहती है उसकी अटेंशन अपने जीवन की सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों की तरफ चली जाती है, उसको अपने जीवन की वो एक दो जो माइनस वाली बातें हैं वो तंग नहीं करती, क्योंकि वो आत्मा इतना शुक्रिया करती है सारा दिन। कुछ लोगों के पास इतना सब कुछ होता है, एक दो कुछ बातें होती हैं, लेकिन सारा दिन फोकस वो एक दो बातों पर ही हो जाता है, अटेंशन कहाँ जा रहा है। इसलिए शुक्रिया करना बहुत श्रेष्ठ कर्म होता है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट, फुल स्टॉप। दो थॉट भी इसके ऊपर नहीं चाहिए, एक ही थॉट चाहिए, मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे अब क्या करना है, मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है। पास्ट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, वो तो हो गया। अब क्या करना है, प्रेजेंट कर्मा श्रेष्ठ। अब ध्यान क्या रखना है, प्रेजेंट कर्मा में दूसरे के कर्म का प्रभाव ना पड़ जाए मेरे ऊपर। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने जो किया वो किसका कर्मा, उनका कर्मा। मेरा कर्मा उनके कर्म से प्रभावित नहीं होगा, मेरा कर्मा किसकी चॉइस, मेरा कर्मा किसकी चॉइस। मेरा कर्मा अगर प्रभावित होगा वो सिर्फ परमात्मा के ज्ञान योग और शक्ति से प्रभावित होगा। अगर दूसरे के कर्म से प्रभावित हो जाता है तो हमारा कर्म क्या हो जाता है, डाउन। अगर ईश्वर के ज्ञान और योग से प्रभावित हो जाता है तो हमारा कर्म क्या हो जाता है, अप। सिंपल है। उनकी एनर्जी से प्रभावित हो गए, डाउन। उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए, अप। इसलिए सारा दिन उसकी एनर्जी को यूज करना है। परमात्मा मुरली में कहते हैं, जो रोज हम स्टडी करते हैं ना सुबह सेंटर में, परमात्मा कहते हैं मैं बैठा हूं, मुझे यूज करो। पहली बार मैंने यहां आकर यह लाइन सुनी थी, बड़ी अच्छी लगती है सुन के। मैं बैठा हूं, मुझे यूज करो, मतलब मुझे अपने हर काम में क्या करो, यूज करो। सारी प्रॉब्लम आने के बाद फिर याद करते हो, और पहले तो फिर भी नहीं याद करते थे, पहले सबको याद करते थे, इसको पूछते थे, इसको पूछते थे, फिर कोई आंसर नहीं देता था ना, फिर बैठते थे, भगवान अब तो तुम ही बता क्या करना है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। कितना टाइम और एनर्जी जाता था इधर 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 इधर। फिर एंड में, क्यों एंड में वो याद आता था, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा रिश्ते अच्छे हैं, फिर एंड में वो याद आता है। अब जब रिश्ता अच्छा बन जाता है ना, तो सबसे पहले कौन याद आता है, जो सबसे क्लोज होते हैं वो सबसे पहले याद आते हैं। तो अब अगर हमारे साथ कोई गलत करे, हमारे लिए कोई गलत फैलाए, कोई कुछ करे, कोई हमारी निंदा करे, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा। वो ये है कर रहे हैं, हमारा कैसा होगा। कैसा होगा, वो गलत बोलेंगे, हम कैसा बोलेंगे। अभी अगर बोलोगे ही नहीं तो करोगे कैसे परसों जाके। वो गलत बोलेंगे, हम कैसा बोलेंगे। सिर्फ बोलेंगे भी नहीं, अच्छा सोचेंगे, वो और गलत बोलेंगे। अच्छा, हम और अच्छा भी करेंगे, तो पहले ही और अच्छा करना चाहिए था, वो बोलते ही ना गलत। फिर से अपना श्रेष्ठ श्रेष्ठ लेकर आना है। सारा दिन एक चीज सुबह जरूर करनी है, परमात्मा की एनर्जी मुझ आत्मा पर, और मेरे चारों राउंड मेरे परमात्मा की एनर्जी का सर्कल। किसी और की एनर्जी थॉट मेरे सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। वो लोग करते हैं ना, वो लाल मिर्ची लेते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं गोल गोल, उसका मीनिंग ही क्या है। मीनिंग ही तो यही है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि किसी और की नजर, मतलब किसी और की नेगेटिव एनर्जी इस सर्कल के अंदर एंटर नहीं करेगी। तो जब लाल मिर्ची इतनी प्रोटेक्ट कर सकती है कि किसी और की एनर्जी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, तो हम लाल मिर्ची यूज करने की जगह दादो गॉड की एनर्जी यूज कर लो। मिर्ची भी कहां से आएगी, सारा दिन उठे बैठे सारा दिन एक थॉट क्रिएट, परमात्मा की एनर्जी मेरे अराउंड सर्कल, ये आत्मा की थॉट भी मेरे सर्कल में एंटर नहीं हो सकती, और वो नहीं होती है, वो नहीं होती है। इसको कोई भी करके देख ले, वो एंटर नहीं होती है। और उसका प्रूफ क्या होता है कि वो एंटर नहीं हो रही, मेरा मन डिस्टर्ब नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनकी एनर्जी मेरे पास नहीं पहुंच रही है। दूसरी थॉट, मेरे से उनको कौन सी एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव भी नहीं। मेरे पास सर्कल में किसकी एनर्जी है, सिर्फ परमात्मा की एनर्जी, बाबा की एनर्जी। उनकी थॉट मेरे अंदर एंटर नहीं हो सकती, और मेरे से उनको कौन सी एनर्जी मिल रही है, सिर्फ मेरे से उनको मेरी एनर्जी भी नहीं मिल रही है। मेरे से उनको कौन सी एनर्जी मिल रही है, परमात्मा की एनर्जी। कार्मिक अकाउंट ठीक हो जाएगा। वो ठीक होंगे कि नहीं, वी डोंट नो,
कब ठीक होंगे कि नहीं, वी डोंट नो। एक जना पक्का ठीक हो जाएगा, ओ कौन, हम। और जब हम ठीक हो गए, मतलब मेरे अंदर उनके प्रति कोई बैर नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, मैंने जाके उनके बारे में इधर उधर कुछ नहीं बोलना, मतलब मेरा प्रेजेंट कर्मा कैसा होने लग गया, मेरा प्रेजेंट कर्मा कैसे होने लग गया, हाईएस्ट एनर्जी, मतलब मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया है, सेटल हो गया है। कोई हमारे लिए बहुत 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 गलत करे, ऐसा भी कोई हो जिसके साथ आप कोई लीगल एक्शन ले रहे हो, लीगल एक्शन भले लो लेकिन अंदर नफरत नहीं करो। हो सकता है, हो सकता है। लीगल एक्शन वो पार्ट ऑफ द कार्मिक अकाउंट है, अंदर कर्मा नेगेटिव क्रिएट करना नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उनको दुआ दो, उनके लिए रोज अच्छा करो, रोज अच्छा सोचो, रोज बैठ के मेडिटेशन में उनको भी अच्छी वाइब्रेशन दो। ये सब कुछ हम सेंटर पे सीखते हैं, और आप सीखेंगे जाने के बाद कैसे किसी एक आत्मा को रोज याद करके हम अच्छी वाइब्रेशन दे के उसकी हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लीगल काम है तो वो लीगल काम भी करना है। यहां एक भी थॉट नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इजी, 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 हाँ, पॉसिबल बट वेरी इजी व्हेन यू विल रिमेम्बर कि मेरा कर्मा किसका भाग्य लिख रहा है, मेरा कर्मा किसका भाग्य लिख रहा है, मेरा लिख रहा है। अपने कार्मिक अकाउंट्स को और इंटेंगल नहीं करना, गांठे बहुत ज्यादा अभी भी जिनको हम मिल रहे हैं, जिनके साथ हमारे बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, हम उनको पहली बार नहीं मिल रहे, जिनके साथ हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम है उनको भी हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, उनको भी हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हम पहले मिल चुके हैं, हम अभी मिल रहे हैं, और हम अगली बार फिर मिलेंगे। तो ध्यान रख लो, ध्यान रख लो, अभी सॉर्ट आउट कर दो ताकि प्रेजेंट भी ठीक हो जाए, फ्यूचर भी सेफ हो जाए। फ्यूचर के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। पुरानी बातें यहां पकड़ के रखिए, खत्म करो, माफ करो, छोड़ो उनको। जिसने गलत किया है उसको यहां पकड़ के क्यों रखना है? चित किसका मैला हो रहा है, कर्म किसका बिगड़ रहा है? हमारा, मेरा ही कार्मिक अकाउंट था इसलिए उन्होंने ऐसा किया, चुक तो हुआ, थैंक यू बाबा, आगे बढ़ो। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया, पकड़ के रखा। पास्ट नेगेटिव था, प्रेजेंट भी नेगेटिव हो गया, फ्यूचर रिस्की हो जाएगा। जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं कोई, हमें ध्यान रखना है कि हम उनके बारे में ना सोचे ना बोले, क्योंकि जैसे ही हम उनके बारे में सोचना शुरू करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ कनेक्ट हो जाती है। सपोज आप एक 10 फ्लोर के टावर में रहते हैं और कोई ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, आपको याद कर करके अपने घर के बाहर रोज बहुत सारा कूड़ा फेंक रहा है, कचरा फेंक रहा है, फेंकता ही जा रहा है, फेंकता ही जा रहा है, इतना कचरा फेंक रहा है कि अगर आप 1 मिनट भी उस फ्लोर पे आओ आप मैले हो जाओगे सारे। तो अपने आप को बचाने के लिए कौन से फ्लोर पे बैठना पड़ेगा? वो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, कचरा वो ग्राउंड फ्लोर पे फेंक सकता है, सिर्फ आगे नहीं फेंक सकते, वो अपने ही फ्लोर पे कचरा फेंक सकते हैं। हमें कहाँ रहना है? अगर हम 1 मिनट के लिए भी उनके फ्लोर पे आ गए ना, तो हम मैले हो जाएंगे, हम मैले हो जाएंगे। इसलिए लोगों को अगर याद किया तो याद किया तो सिर्फ परमात्मा को याद करके दुआ कर देने के लिए किया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, मेरे ऐसी वाली फ्रीक्वेंसी क्रिएट की, तो हम कहां कौन से फ्लोर पे आ रहे हैं? डाउन आ रहे हैं। हम उनकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएंगे, उनकी मन की स्थिति सारी हमारे ऊपर। जो बहन ने कल कहा था ना, हम पॉजिटिव हैं, दूसरा वाला नेगेटिव सोचता है, तो वो नेगेटिव हमारे पास क्यों आ जाता है? क्योंकि हम उनके फ्लोर पर आए हैं, उनकी एनर्जी हमारे फ्लोर पर नहीं आ सकती है, हमें उनके फ्लोर पर जाना पड़ेगा उनकी एनर्जी लेने के लिए। उसके लिए हमें उनको याद करना पड़ता है। इसीलिए बचपन से सीखते आए, सिमर 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 सिमर, सिर्फ उसको याद करो। क्यों सिर्फ उसको याद करो? ताकि कौन से फ्लोर पे रहेंगे?
अब आसपास लोग कुछ भी फेंके तो बहुत ध्यान रखना है, उनके बारे में बात नहीं करनी है सारा दिन सबसे जाके, सबको उनके फ्लोर पे ले आओगे नहीं तो। सल्यूशन के लिए बात करनी है फाइन, प्रॉब्लम ही डिस्कस होता जा रहा है बार 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 पर चिंतन, सबकी एनर्जी उस फ्लोर पर आ जाएगी, सारे उस कार्मिक अकाउंट में इंटेंगल हो जाएंगे, इससे सल्यूशन नहीं निकलता, सिर्फ समस्या और ही गांठ। कोई रिश्ते में बहुत गांठ पड़ी हो, इतनी गांठ पड़ी हो कि अब अगर बैठेंगे ना गांठ को खोलने के लिए नहीं खुलती है। कई बार दो लोग बैठते हैं, चलो हम बात करके सब ठीक करते हैं, जब वो बात करना शुरू करते हैं तो इधर से कोई बोलता है उधर से बोलता है, ऐसी बातें निकल कर आती हैं, तो वो गांठे खुलने की बजाय आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, आपको मेरे से ये प्रॉब्लम, जाने दो मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है, तो गांठ खुलने की बजाय गांठ और पड़ जाती है। तो गांठे अगर ज्यादा पड़ जाए, सपोज जो वो स्वेटर बनाते हैं और गांठ ज्यादा पड़ जाए, तो उसको खोलने में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्या करते, उतने से पार्ट को। तो अगर किसी के साथ रिश्ते में कुछ हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, जीवन के उस पार्ट को उठा के फेंक दो, बोलो इतना पार्ट ऑफ द धागा निकाला और फेंक दिया, बैक टू देम विद दिस थॉट, मेरी तरफ से पास्ट फिनिश्ड, मुझे कुछ सॉर्ट आउट नहीं करना है, कुछ रिजोल्व नहीं करना है, आज से न्यू। इतनी पावर है मनुष्य आत्मा में, वो बुरी से बुरी बात को भूलकर एक नई शुरुआत, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य बना सकता है। इतनी पावर है हमारे पास, सिर्फ वो डिसीशन राइट लेना है, उसके लिए परमात्मा की शक्ति। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन से हम प्रैक्टिस जब करते हैं तो अनुभव करते हैं कि पास्ट के कार्मिक अकाउंट बहुत इजीली चुकतो होते जाते हैं। पास्ट के कार्मिक अकाउंट चुकतो होना मतलब पास्ट की बात बहुत बड़ी थी, आई सामने, लेकिन अब की मन की स्थिति ऊंची है तो सफरिंग नहीं होती, तो बात तो उतनी आएगी जितनी थी, लेकिन हम बात से ज्यादा पावरफुल हो गए तो हम कहेंगे ठीक है बात आई ठीक हो गई, लेकिन अगर शक्ति कम होगी तो छोटी बात भी आएगी तो सफरिंग। आप सब हॉस्पिटल में देखते होंगे कोई पेशेंट 100 बुखार के साथ आता है और वो इतना हाय हाय करते हैं, हाय डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, मैं क्या बताऊं, ये भी दर्द हो रहा है, वो भी दर्द हो रहा है, ये भी हो रहा है। कोई पेशेंट 4th स्टेज कैंसर में आता है, डॉक्टर कहते क्या हालचाल है, बढ़िया डॉक्टर साहब आप बताइए नेक्स्ट क्या करना है। होता है ऐसे दोनों चीजें या नहीं होती है? परिस्थिति किसकी बड़ी है? उसकी, लेकिन उसकी मन की स्थिति उसकी परिस्थिति से ज्यादा ऊंची है। ज्यादा भोगना किसको हो रही है, कैंसर वाले को या 100 बुखार वाले को? 100 बुखार वाले को। भोगना यहां डिसाइड होती है। शरीर को कुछ भी हो रहा हो, अगर यहां शांत है ना तो शरीर को ही दर्द हो रहा होता है, आत्मा को दुख नहीं हो रहा होता, क्योंकि आत्मा उस बात से बहुत ऊंची है। और अगर कुछ भी नहीं लेकिन आत्मा दुखी होती रहे, शरीर को कुछ भी नहीं तो भी मैं बीमार, तो भोगना यहां डिसाइड होती है। तो परमात्मा कहते हैं अपने पास्ट के कार्मिक अकाउंट चुकतो करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो भोग कर करो या योग से करो, या तो भोग कर करो सफरिंग से करो या योग से करो, जिससे स्थिति बढ़ जाएगी तो हिसाब किताब चुक तो हो जाएगा। तो कर्म योगी, इसीलिए दिन की शुरुआत सुबह उठते ही पहला संकल्प परमात्मा को थैंक यू। कोई आत्मा के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जीवन में कोई बार बार बात आ रही है, कल रात को हमने लिखा था संकल्प ऐसा करो जो सिद्ध हो जाए। किसी को आपसे प्रॉब्लम है, उसको रोज 30 सेकेंड सुबह जब आप मेडिटेशन में बैठे उस आत्मा को सामने लेकर आओ, और सबसे पहले ये अभी करते हैं, सामने लेकर आओ उसको अभी, जिनके साथ भी रिश्ते में कोई टक्कर है, घर पे, ऑफिस में, रिश्तेदारों में, सामने लेकर आओ। वो आपको तंग कर रहे हैं, बार बार आपके लिए गलत कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ज्ञान है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा पास्ट है।
तो सॉरी किसे किसको बोलना चाहिए, सॉरी किसे किसको बोलना चाहिए, किसको किसको सॉरी बोलना चाहिए? हमें उनको सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन जाके नहीं बोल के आना है। ये जाके बोल के आने की जरूरत नहीं है सॉरी, हाँ, लेकिन ये कहाँ बोलना है? जाके सॉरी तब बोलना है जब हमने कोई अभी गलती की है, लेकिन पास्ट की गलती का सॉरी सामने जाकर नहीं बोल सकते। पास्ट की गलती का सॉरी आत्मा को यहाँ याद करके हम बोल सकते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, परमात्मा की शक्ति अपने अंदर भर के उस आत्मा को सामने लेकर आते हैं और उसको कहते हैं, मैंने आपके साथ जो भी किया था, मैंने आपके साथ जो भी किया था, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत 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 सॉरी। क्योंकि कभी ना कभी तो चोट दी थी, तभी आप आज चिल्ला रहे हो। जब तक मैंने किसी को मारा नहीं होगा वो चिल्लाएगा नहीं वहां से, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से सॉरी। रोज बोलो उस आत्मा को सॉरी, क्योंकि हम कुछ बहुत करके आए हैं जिसकी वजह से वो बहुत कर रहे हैं। फिर उसको, आप आज जो मेरे साथ कर रहे हो उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। पहले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, फिर मैं आपको क्षमा करती हूँ। फिर उस आत्मा को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटेंस भेजो, आप जो सोच रहे हो उन तक पहुंच रहा है, उसको कहो, ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट था, पूरा हुआ, फुल स्टॉप। क्या बोलेंगे? ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट था, पूरा हुआ, फुल स्टॉप। ये मैसेज देना है उस आत्मा को, नहीं तो कार्मिक अकाउंट बहुत। ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट था, पूरा हुआ, फुल स्टॉप। फोर्थ लाइन, आज से हमारा एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू होता है। आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट, दुआएं, ब्लेसिंग्स। पांच लाइनें। क्या पांच लाइनें हैं? पहली बात, मेरी तरफ से आपको सॉरी। ज्ञान है ना कि मैंने कभी तो किया है, तो मेरी तरफ से आपको पहले सॉरी। दूसरा, आप मेरे साथ जो अभी कर रहे हैं उसके लिए आई फॉरगिव, क्षमा। तीसरा, पास्ट का कार्मिक अकाउंट था, अब चुकतू हुआ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, खत्म हो चुका है, फुल स्टॉप। फोर्थ, आज से एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू, मेरी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ सम्मान, दुआएं, ब्लेसिंग्स। और बाबा की शक्ति आत्मा अपने अंदर भर के उस आत्मा को भेजो। रेकी करते हैं ना कुछ लोग, प्राणिक हीलिंग करते हैं ना, तो क्या करते हैं? दूर बैठे लोगों को भी क्या करते हैं? थॉट पावर से, गॉड से कनेक्ट करके, शक्ति भेजकर दूर बैठे लोगों की बीमारी, दर्द ठीक कर देते हैं। अगर दूर बैठकर किसी के शरीर का दर्द ठीक किया जा सकता है, तो दूर बैठकर किसी आत्मा का दर्द ठीक नहीं किया जा सकता? कर सकते? नहीं कर सकते। बहुत इजी है, सिर्फ उसको बैठकर वो एनर्जी देनी है। तो ये हम मेडिटेशन में करते हैं। ऐसे करने से हमारे पास्ट के कार्मिक अकाउंट क्या होते जाते हैं? सारे चुप। तो प्रेजेंट कर्म सारा कैसा होता जाता है? श्रेष्ठ। फ्यूचर हो जाता है सिक्योर। तो प्रेजेंट भी सेफ, फ्यूचर भी सेफ, पास्ट सेटल्ड। हमें सारा दिन सिर्फ अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। ध्यान रहे, कलयुग है, घोर कलयुग है। घोर कलयुग में लोग अलग अलग तरह के कर्म करने वाले हैं। अभी तो आने वाले समय में और कर्म करेंगे। सिर्फ बाहर वाले लोग नहीं, घर में भी लोग कर सकते हैं। जिस पर आपने बहुत विश्वास किया होगा अचानक धोखा दे देगा। जिस पर आपने सोचा होगा वो मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, अचानक बदल जाते हैं। ये सब अचानक अचानक का मौसम आएगा अभी, क्योंकि आत्मा की शक्ति क्या हो रही है? घट रही है। अचानक व्यवहार बदल जाता है, वो ऐसे थे अब बदल गए। ये कर्म आएंगे सामने।
लोगों के कर्मों का प्रभाव हमारे कर्म पर पड़ना नहीं चाहिए। अगर लोगों के कर्मों का प्रभाव हम पर पड़ा, हमारे कर्म गलत हो जाएंगे, हमारा भाग्य अफेक्ट हो जाएगा। सबके बीच रहना, सबके साथ काम करना, सब कुछ करना, लेकिन अपना कर्म, अपना कर्म, इसलिए ताकि दूसरों की एनर्जी से कनेक्ट ना हो जाए हम, इसलिए ऊपर कनेक्ट हो जाना चाहिए सुबह सुबह। एक बार सुबह सुबह हो गए तो सारा दिन फ्रीक्वेंसी फिर कहाँ लगी रहेगी? ऊपर। इसलिए हम 3-4 दिन निकाल के जो यहाँ आए हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले एक निर्णय हमें जरूर करना है। ये प्रोग्राम का एंड नहीं होगा मंडे को, ये प्रोग्राम की शुरुआत होगी। अगर इसको अपने जीवन का एक नेचुरल हिस्सा बनाना है, कल से, आज सारा दिन में आप मिलेंगे, कल सारा दिन में आप मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे आपसे मिलने के लिए, वो आप ही की तरह घर संभालते हैं, परिवार संभालते हैं, सुबह से रात तक हॉस्पिटल संभालते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रूटीन में एक चीज फिक्स कर ली है, एंड वो है सुबह का 1 घंटा उन्होंने फिक्स कर लिया है। बाकी 23 घंटे अब वो काम कर सकते हैं क्योंकि पावर भर रहे हैं, लेकिन सुबह का 1 घंटा वो सारे हॉस्पिटल जाने से पहले सेंटर जाते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, उसके बाद सारा दिन हॉस्पिटल, परिवार, घर। ये 1 घंटा अपना फिक्स कर लीजिएगा। हम सोचते हैं हम घर बैठ के कर लेंगे, घर बैठ के, घर की एनर्जी अभी थोड़ी सी लो है, हम भी अभी थोड़े से लो है। हमारा योग घर बैठ के कभी कभी लगता भी नहीं है, क्योंकि घर की एनर्जी, वातावरण की एनर्जी, सेंटर की एनर्जी कैसी है, यहाँ आप आए यहाँ की एनर्जी कैसी है, क्योंकि लोग रोज योग कर रहे हैं। तो जहां रोज योग हो रहा हो वहां की एनर्जी क्या होती है? हाय। जब हम उधर जाकर बैठते हैं हमें ताकत ऐसे ही मिल जाती है, ऐसे ही ताकत मिल जाती है। इसलिए घर बैठकर नहीं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए रोज 1 घंटा अपने भाग्य में आज से फिक्स करके जाएं। ये श्रेष्ठ कर्म यहां से करके जाना कि मेरा 1 घंटा परमात्मा की मुरली, परमात्मा से रिश्ता, योग, उसके लिए, बाकी 23 घंटा सबके लिए है। जब 1 घंटा अपने लिए निकाल कर 23 घंटा सबको देते हैं तो हमारे वो 23 घंटे की क्वालिटी क्या हो जाती है। एंड धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके पास टाइम कम नहीं, टाइम बहुत ज्यादा होगा। अब ये सारे डॉक्टर्स जो आपको मिलेंगे, ये अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, अपने हॉस्पिटल छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, आपसे 1 घंटे के लिए मिलने के लिए पूरे देश देश से ट्रैवल करके आएंगे। इनको कुछ मिलने नहीं वाला उसके रिटर्न में, सेवा के लिए आते हैं। तो इतना टाइम आ जाता है कि पहले सिर्फ परिवार और हॉस्पिटल संभालते थे तो भी कहते थे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब परिवार भी संभालते हैं, हॉस्पिटल भी संभालते हैं, जिनको नहीं पहचानते उनसे भी मिलने आते हैं, और फिर कहते हैं और कोई सेवा है बताओ, बहुत टाइम है मेरे पास। ये टाइम कहाँ से आता है? बैटरी को चार्ज करने से। जितना आत्माएं कमजोर हो रही है, पूरी सृष्टि पर एक नया मंत्र चल रहा है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इतना ज्यादा उच्चारण तो कोई मंत्र का नहीं करते सारा दिन, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, जल्दी करो। एक नया ही है, सिद्ध होता जा रहा है, शक्ति घटती जा रही है। तो 1 घंटा अपना फिक्स कर लीजिए मन को सात्विक बनाने के लिए। धन का ध्यान रखिए कि धन जो हमारे घर आता है वो हमारी घर की पहली एनर्जी है। धन से हम अन्न खरीदते हैं, अन्न का प्रभाव किस पर होता है? मन पर होता है, और मन का प्रभाव किस पर होता है? तन पर होता है। तो 4 एनर्जी, धन, अन्न, मन और तन। पहली एनर्जी जो घर में आ रही है वो धन है। धन सात्विक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, मतलब हमारा काम करने का तरीका, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, बड़े प्यार और सम्मान से करना चाहिए। हर एक हमसे संतुष्ट हो, ताकि वो जो धन हमारे घर आए वो सबकी दुआओं के साथ आए।
किसी को हमारे को जो सैलरी देता हो वो ये ना सोचे ठीक से काम भी नहीं करता फिर भी इतनी पगार देनी पड़ती है, वो धन दुआओं के साथ नहीं आया। जो हमें धन दे वो ऐसी भावना क्रिएट करे इसके जैसा तो पूरे हॉस्पिटल में कोई है ही नहीं, इसकी तो सैलरी बढ़ जानी चाहिए, मैं कुछ तो करूँ जो इसकी बढ़ा दूँ। वो इतनी दुआएं देते 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 आपको वो धन दे रहा है, तो वो जो धन घर आएगा वो दुआओं के साथ आए। जिनकी जिनको आप ट्रीट करते हैं, आप उनके शरीर का सिर्फ इलाज नहीं कर रहे, श्रेष्ठ कर्मों से, एनर्जी सर्कल से हम उस आत्मा को सुकून दे रहे हैं, आपको दुआएं मिलेंगी। आपका धन दुआओं के साथ घर आना चाहिए। फिर अन्न कैसा होना चाहिए? अन्न कैसा होना चाहिए? सात्विक, सात्विक अन्न। हमें यहाँ क्यों अच्छा लग रहा है? वातावरण सात्विक है और तीन टाइम हम सात्विक अन्न खा रहे हैं। किचन में बहुत सारा कुछ हो जाता है, सेशन में भी उतनी मेहनत नहीं होती जितना किचन में होता है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप भोजन से पहले एक सेशन में आओ और भोजन के बाद आओ तो मन बुद्धि बदली हुई होती है, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि जो किचन में भोजन बना रहे हैं वो बनाते बनाते किसको याद कर रहे हैं? वो परमात्मा को याद करते हुए खाना बना रहे हैं, वो प्रसाद बना रहे हैं। तो खाने वाले की मन बुद्धि किससे जुड़ जाती है? परमात्मा से जुड़ती है। हॉस्पिटल में भी जो खाना बनाए आप, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में जो खाना मिलता है वो खाना खाना नहीं होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए। हॉस्पिटल में सात्विक खाना खिलाना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि हम हॉस्पिटल में तामसिक भोजन कैसे खिलाते हैं लोगों को, हम कैसे उनको बोलते हैं ये प्रोटीन्स है ये खा लो। कई बार तो जो पेशेंट वेजिटेरियन होता है उसको भी खिलाना शुरू करते हैं, वो भी कहते हैं डॉक्टर ने बोला है ये तुम्हारे लिए अच्छा, जीवन भर नहीं खाया होता उसने, लेकिन एक बीमारी आई डॉक्टर ने बोला नहीं 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 आपको ये खाना चाहिए तो खाना शुरू कर दिया। मेडिकल साइंस हमें बात जो बताती है वो राइट है, लेकिन साथ में दूसरी चीज भी तो चेक करनी है ना। मेडिकल साइंस हमें क्या बता रही है, उस नॉनवेज में क्या है, क्या है उसमें, क्यों वो हेल्दी होता है, उसमें क्या है, क्या होता है? प्रोटीन्स है, तो बात तो राइट है, उसमें प्रोटीन्स है, बात तो राइट है। लेकिन अब स्पिरिचुअलिटी हमें क्या बता रही है, हमारी अपनी मन बुद्धि हमारे को क्या बता रही है कि इस नॉनवेज में वाइब्रेशंस कौन सी है, कौन सी वाइब्रेशन है? लेकिन विजुअलाइज करो, 15-20 दिन महीना एक एनिमल को स्लॉटर हाउस में रखा हुआ है, सारा दिन उधर हिंसा हो रही है, मृत्यु हो रही है, हिंसा हो रही है, मृत्यु हो रही है। सारे जो स्लॉटर हाउस में वो परेशान है, दुखी है, दर्द में है, गुस्से में है, नफरत में है, वो खुद एनिमल उस स्थिति में है और एक दिन उसकी भी हिंसा होती है, मृत्यु होती है, प्लेट में आता है, हम कहते हैं हेल्दी है खाना खाओ। हाउ, कैसे बोलते हैं? अगर आपको बताना ही है, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये प्रोटीन्स है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स है, लेकिन इसमें दुख, दर्द, गुस्से, नफरत, हेल्पलेसनेस, वायलेंस और मृत्यु की भी वाइब्रेशन है। अभी आपकी चॉइस है, अपना कर्म तो श्रेष्ठ करना चाहिए ना। कितना बड़ा कर्म बनता है ये जब डॉक्टर एक नेगेटिव एनर्जी का खाना पेशेंट को देता है और बोलता है ये हेल्दी है। फुल इंफॉर्मेशन दो, उस आत्मा को अपना कर्म करने दो। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स बार बार बोल रहे हैं समाज को ये हेल्दी है, ये हेल्दी है, ये हेल्दी है, तो आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि कहते हैं डॉक्टर बोलते हैं ये हेल्दी है, तो ये हमारा कर्म बन जाएगा, ये हमारा कर्म बन जाएगा कि हम उनको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो कि ये प्रोटीन्स है, इससे ज्यादा प्रोटीन शायद आपको किसी चीज में नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसमें ये भी वाइब्रेशन है, साथ साथ ये भी सब्जी है, ये भी दाल है, ये भी टोफू है, ये भी सोया है, ये भी दूध है, इसमें भी प्रोटीन है, ये आप इतना खाएंगे, ये थोड़ा आपको डबल खाना पड़ेगा उतने ही प्रोटीन के लिए, लेकिन इसमें वाइब्रेशन बेटर है, ये दोनों लो, आप चूज करो, आपका कर्म आपका भाग्य। पूरी इन्फॉर्मेशन दो, पूरी तो, लेकिन किसी को नहीं 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 आपको ये खाना ही चाहिए, इसके बिना आपको ताकत आएगी ही नहीं,
पेशेंट को देखते, ओहो आप वेजिटेरियन हो, ओहो इसलिए आप कमजोर हो। ये बहुत ध्यान से कर्म करना चाहिए, ध्यान से कर्म करना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा पता है कि एक डेड बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। डेड बॉडी लोग घर में नहीं रखने के लिए रेडी, कहते हॉस्पिटल में रख लो डॉक्टर साहब, हम यहीं से लेके जाएंगे कल सुबह। क्यों नहीं अपने घर लेके जाने के लिए रेडी? लेके भी जाते हैं, घर में पड़ी होती है तो उस दिन घर में खाना नहीं बनता, और फ्रिज में क्या क्या पड़ा है, फ्रिज में क्या क्या पड़ा है, वो तो अपने परिवार का है, वो है तो खाना नहीं बन रहा, टॉक्सिक है। घर धोते हैं उसके बाद, किचन धोते हैं, अंतिम संस्कार करके आते हैं, सबसे पहले खुद को धोते हैं। सिर्फ अपने परिवार की डेड बॉडी को देखकर जलाकर खुद को धोते हैं, और फ्रिज में पता नहीं किसकी किसकी रख के कहते हेल्थ है। टू थिंक, रियली नीड टू थिंक। प्रोटीन्स बहुत सारी चीजों में है। हिंसा की एनर्जी कभी किसी को लाइफ नहीं दे सकती, डेथ की एनर्जी लाइफ नहीं दे सकती है। लाइफ यहाँ है, ये सिर्फ बॉडी है, ये बॉडी है, और ये बॉडी भी तब हेल्दी रहेगी जब ये आत्मा लाइफ उसको राइट एनर्जी दे। तो सबको सात्विक आहार का महत्व बताइए, और दूसरों को बताने के लिए सबसे पहले किसके जीवन में लेकर आइए, अपने जीवन में लेकर आइए। सात्विक अन्न से ही सात्विक मन बनता है। सिर्फ 9 दिन सात्विक अन्न नहीं खाते कि डिविनिटी का आह्वान करना है, 9 दिन सात्विकता। डिविनिटी 9 दिन नहीं, डिविनिटी एवरी डे। व्हाइट सर्कल चाहिए तो सात्विक अन्न, पानी अमृत। कड़वा पानी पीने से वाणी क्या हो जाएगी, कड़वा पानी पीने से वाणी क्या हो जाएगी, कहता हमारे बहुत स्ट्रेसफुल काम है, हमें कुछ तो लेना पड़ता है। हीलर है, वाइट सर्कल है, कोई भी तामसिक चीज हमारे वाइट सर्कल को दूषित न करे। हम हेल्थ के एम्बेसडर्स हैं, हम जो लाइफस्टाइल लीड करेंगे वो हम दूसरों को भी बताएंगे। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है बाहर दुनिया में, सात्विक होनी चाहिए। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में ऐसी वैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, फिर दुनिया को राइट लाइफस्टाइल कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे? तो राइट लाइफस्टाइल बताना नहीं होता, राइट लाइफस्टाइल पहले जीना होता है, तब हमारी कन्विक्शन से दूसरे को एक सेकेंड में टच होगा और वो चेंज हो जाएगा। तो जिस स्थान पर आप आए हैं, यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत मतलब लाखों, 1956 से ये कैंपस है, लाखों लाखों या उससे भी ज्यादा लोग अब तक आके गए होंगे। जो यहाँ आते हैं वो संकल्प करके अपनी कोई एक आधी चीज छोड़ जाते हैं कि आज से, अगर आप बहुत जगहों पर यहाँ जाएंगे, ऊपर भी जब जाएंगे तो वहां पे एक दान पेटी पड़ी होती है, हर धर्म स्थान पे एक दान पेटी होती है ना, कुछ तो डाल के जाना चाहिए ना, उसके अंदर आए हैं तो क्या डाल के जाएंगे। तो उस दान पेटी के अंदर अपनी चिट्ठी पे लोग लिख के जाते हैं, आज मैं अपनी ये वाली चीज यहाँ दान करके छोड़ के जा रहा। दान पेटी में पैसे नहीं डालने, दान पेटी में अपनी चीज डाल के जानी है। उस दान पेटी में आप देखेंगे लोग अपने तंबाकू के, सिगरेट के पैकेट वहीं छोड़ के जाते हैं, और इतनी ताकत है, क्योंकि बार बार जो चीज किसी स्थान पर होती है ना, तो वो स्थान की वाइब्रेशन में वो चीज पावरफुल हो जाती है, और परमात्मा की शक्ति साथ में। लाखों लोग छोड़ा और उसके बाद जीवन में कभी उस चीज को टच नहीं किया। ये पावर है यहाँ की। अब आपकी चॉइस है कि आप आज क्या छोड़, नहीं ताली नहीं बजाना, ताली नहीं, पहले सोचना मुझे आज कौन सी चीज आज यहाँ छोड़नी है, मुझे कोई तामसिक चीज अपने साथ वापस जीवन में नहीं लेकर जानी है। प्रसाद खाना है, जितना हो सके घर का खाना खाइए, जितना हो सके। ये जो नया संस्कार बना है ना बाहर बहुत ज्यादा खाने का, ये भी हमारे सर्कल को दूषित करता है। कौन बना रहा है, कहाँ बना रहा है, किस मनोस्थिति में बना रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, धन कमाने के इंटेंशन से बना रहा है,
और यही अगर घर में परिवार का सदस्य बनाता है, प्यार से बनाता है, दुआएं भरते हुए बनाता है, परमात्मा की याद में बनाता है, तो वो खाना क्या करता है? मन बुद्धि को भगवान से जोड़ता है और परिवार को एक साथ जोड़ता है। 30-40 साल पहले जाओ, बहन भाई अपने लिए एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे। तुम मेरा घर ले ले, तुम मेरी जमीन ले ले। आज इतने से टुकड़े के लिए बोलते कोर्ट में मिलेंगे हम। ये कोई हिस्ट्री थोड़ी है, हम सब ने अपने जीवन काल में देखा है ना, इतने से समय में सृष्टि बदल गई। क्यों बदल गई? उस टाइम हम में से मेजोरिटी टाइम घर की माँ के हाथ का प्यार से बना हुआ परिवार को जोड़ने वाला खाना खाया करते थे। आजकल हम फोन पे क्लिक करके खाना ऑर्डर करते हैं, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। कहते चलो खाना तो खा लिया ना, खाना तो खा लिया नहीं। खाना किसने बनाया था, कैसी स्थिति में बनाया था, किस इंटेंशन से बनाया था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कौन से धन से बनाया था। ये सब कुछ उस परिवार को एनर्जी देता है। तो जहां तक हो सके घर का खाना खाइए। हॉस्पिटल भी जाते हैं, घर से खाना लेकर जाइए, सिंपल खाइए। एक खिचड़ी खाइए, टाइम नहीं है तो, लेकिन सात्विक खाइए। भगवान को याद करके मेडिटेशन में वो खाइए, वो एक खिचड़ी भी उतनी ताकत देगी जितनी 6 चीजें भी खाते तो न देती, अगर वो सही इंटेंशन से नहीं बनी है। आजकल लोगों को खाना ताकत नहीं दे रहा है, बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं, एनर्जी चेंज करने की जरूरत है। तो धन सात्विक हो गया, अन सात्विक हो गया, मन सुबह 1 घंटा रोज निकाला, सारा दिन कनेक्टेड रहे, सात्विक हो गया, तो तन तो हेल्दी होना ही है। और भाग्य कैसा? भाग्य कैसा? बिल्कुल श्रेष्ठ। तो राजयोग कोई कुछ मिनट कुछ घंटे का योग नहीं होता, राजयोग एक लाइफस्टाइल है, राजयोग एक जीवन जीने का तरीका है। उठने का, बैठने का, सोने का, खाने का, पीने का, सोचने का, बोलने का, काम करने का, धन कमाने का, ये सब योगी लाइफस्टाइल। तब हमारा जीवन भोगी से योगी बन जाएगा, योगी बन जाएगा। हम योगी जीवन है, हम योग करते नहीं हैं, हम योगी जीवन जीते हैं। घर में रहते हुए योगी जीवन जीने के लिए छोड़ के नहीं जाना कहीं भी, घर में रहते हुए सारा दिन काम करते हुए जीवन योगी। तो ऐसा योगी जीवन परमात्मा के साथ मिलकर इस सृष्टि पर हम सत्योग लाएंगे। हॉस्पिटल में कभी कभी हम बेस्ट इंटेंशन से कुछ किसी का इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले की तबीयत ठीक नहीं होती है। हमने सोचा ही नहीं था, हमने सब कुछ सही किया, लेकिन सामने वाले के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। याद रखिएगा, आपने जो बेस्ट किया वो आपका कर्म था, लेकिन उसका इलाज सिर्फ आपका कर्म नहीं करता है। सामने वाले के इलाज में और एक फैक्टर कौन सा है? उनका कार्मिक अकाउंट है। अगर किसी आत्मा का कार्मिक अकाउंट है कि उसने ठीक होना है और घर जाना है, आप कुछ भी उसकी प्रिडिक्शन में लिख दो कि ये ठीक हो नहीं सकता, ये जा नहीं सकता, वो ठीक होके चला जाएगा। लेकिन आपने अपनी बेस्ट इंटेंशन से कुछ किया और फिर भी वहां कुछ गलत हो गया। याद रखना, अपने ऊपर गिल्ट नहीं लेना है हर चीज का, ये मैंने कैसे कर दिया, मेरे से ऐसा कैसे हो गया। ये गिल्ट है, ये गिल्ट हमारे कर्म को खराब करता है। मैंने अपना बेस्ट किया, मेरी भावना क्लियर है, मेरी इंटेंशन क्लीन है, बाकी उस आत्मा का भी कुछ कर्म और भाग्य है। हम उसको दुआएं देते रहेंगे कि ये जल्दी ठीक हो जाए। गिल्ट लेकर हमारा कर्मा क्या हो जाता है? डाउन। उसका असर हमारे अगले पेशेंट्स पे पड़ता है, हमारे अंदर एक फियर और गिल्ट क्रिएट होता है। हम डॉक्टर हैं, सिस्टर हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं। अपने आप को ऐसा नहीं समझना हम हमेशा सब कर, नहीं, उसकी हीलिंग में हमारा कर्म, लेकिन उसकी हीलिंग में उसका कर्म भी पार्ट प्ले करता है। कुछ साल पहले 85-86 में हमारी एक दादी जी, उनको ब्रेन में कुछ हुआ था, तो लगा ये तो इजी
ऑपरेशन है, ठीक हो जाएगा। सबने कहा था ठीक हो जाएगा ये, लेकिन सर्जरी के टाइम कुछ हो गया एंड फिर वो बाहर नहीं आई वापस ऑपरेशन थिएटर से। तो एकदम से सबके अंदर हुआ, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। बाबा को भी याद किया, बाबा ऐसे कैसे हो गया, इतनी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट दादी को ले लिया, ऐसे कैसे हो गया। फिर भगवान को तो बोला ही, फिर डॉक्टर के लिए भी, ये डॉक्टर ने गलती की होगी। तो परमात्मा ने मैसेज भेजा, भगवान मैसेज भेजता है, कहता फुल स्टॉप, ना इसमें भगवान की गलती है, ना इसमें डॉक्टर की गलती है, ये उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट, उसको आगे जाना था, फुल स्टॉप। इसके बाद एक थॉट नहीं चाहिए और किसी की, ये है ज्ञान। किसी की गलती नहीं, हमारे कर्मों से हमारे लिए जो सही है और जो हमारे पास्ट के कार्मिक अकाउंट है वो हमें सेटल करने हैं। तो किसी के भी इलाज की वजह से अपने ऊपर गिल्ट नहीं रखना। कभी कभी बहुत पहले कुछ हुआ होता है, अभी तक कोई डॉक्टर्स पकड़ के रखते हैं, मेरे साथ कैसे हो गया ऐसा उस दिन। एज लॉन्ग एज इंटेंशनली या केयरलेसली कोई गलती नहीं की थी तो वो हमारा कर्म नहीं है, उनका कार्मिक अकाउंट साथ है। चलिए एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कल रात को कौन कौन साइलेंस में गया था कमरे तक? वेरी गुड। जितनी थोड़ी थोड़ी देर बीच में साइलेंस रखते हैं ना, तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आज एक और अभ्यास करते हैं, नाश्ते पे साइलेंस में चलते हैं, और आज नाश्ता साइलेंस में खाते हैं। प्रसाद लेंगे, परमात्मा को याद करेंगे कि बाबा आपकी शक्तियाँ, आपकी प्योरिटी, आपका ज्ञान इस खाने के कण कण में है, मैं सत्ययुगी आत्मा। तो परमात्मा को याद करके साइलेंस में लाइन में खड़े होंगे, साइलेंस में प्रसाद लेंगे और आज साइलेंस में खाएंगे। आधा घंटा साइलेंस में रहते हैं अभी, नेक्स्ट फोन वगैरह सब बाद में देखते हैं। चलिए प्रकृति के बीच आएंगे, बार बार अपने आप को देखते जाइए वहां पर, पॉइंट ऑफ लाइट। सत्ययुगी आत्मा में प्योर डिवाइन, परमात्मा से, बाबा से प्योरिटी की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ती हैं, उसी तरह परमात्मा से प्योरिटी की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मेरे चारों तरफ प्योर पावरफुल वाइट सर्कल बन गया। परमात्मा की शक्तियों से मैं आत्मा सुरक्षित, परमात्मा की प्योरिटी का कवच है। किसी की भी थॉट भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बाबा की एनर्जी है, मेरे से औरों को सिर्फ और सिर्फ बाबा की एनर्जी है। मेरा हर कर्म बाबा के ज्ञान और शक्ति के आधार पर श्रेष्ठ कर्म है। मेरा जीवन योगी जीवन है। मेरा भाग्य सुंदर श्रेष्ठ सत्ययुगी भाग्य है। अगला आधा घंटा साइलेंस में अपने लाइफस्टाइल को चेक करें, क्या चेंज करना है,
कौन सी आदतें बदलनी हैं, अपने कार्मिक अकाउंट को चेक करें कि कौन से कार्मिक अकाउंट को चेंज करना है, उन आत्माओं को याद करके उनको सॉरी बोलें, क्षमा मांगें और कार्मिक अकाउंट को चेंज करें। अगला आधा घंटा अपने साथ, भाग्य यहीं से बदल के जाना है और अपने आप से प्रतिज्ञा, आज से एक घंटा सुबह मेरा अपने लिए है। परमात्मा का ज्ञान और योग से अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए एक घंटा मेरा अपने लिए है। इसी साइलेंस में अब उठते जाएंगे, लेकिन साइलेंस में उठेंगे फरिश्ते, और आज नाश्ता बाबा के साथ करेंगे, कोई भी बात नहीं किसी और के साथ, ताकि सब कुछ जो हमने अपने अंदर भरा है वो हमारा अपना हो जाएगा।